किस तरीके से बदला लेना चाहिए ये आप चाहती है कि मैं सजेस्ट करूं? देखिए ये सब ये जो बातें हैं ये बहुत ही इट्स अ वेरी सीरियस मैटर. 42 जवान हैव लॉस्ट देयर लाइव्स, अदर्स आर क्रिटिकली इंजर्ड. सो एसेंशियली देयर आर 42 फैमिलीज राइट नाउ हु आर इन मोर्निंग एंड द रेस्ट ऑफ द फैमिलीज आर इन यू नो ग्रीफ बिकॉज द जवान आर क्रिटिकली इंजर्ड. इट्स अ सीवियर डेंट in our national security. So I don't think it should be taken so lightly as to kis tarah badla lena chahiye. Wo hai hamare we have a you know defense department in place and it's a serious matter which you know needs to be addressed seriously, not while it's not a subject that we should dwell in right now. Ji मैम ऑनेस्टली ना मैं एज अ ह्यूमन बीइंग जब किसी भी तरह से किसी भी घिनौनी चीज़ को सुनती हूँ तो गुस्सा तो आता है, डर भी लगता है, चोट भी फील होती है. तो ये सारी भावनाएं बहुत ही नॉर्मल हैं और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत ही ऑब्वियस भी हैं. हम ह्यूमंस हैं, दीज आर ह्यूमन इमोशंस, तो फील तो होता ही है. देखिए जो भी पुलवामा में हुआ है वो दुखद है और इसकी जितने शब्दों में भी भर्त्सना की जाए, निंदा की जाए या अपना गुस्सा जाहिर किया जाए वो बहुत ही कम है. 40 लोग जो मारे गए हैं उनके परिवार वालों को मेरी तरफ से बहुत सारी श्रद्धांजलि. जो उनके ऊपर गुजर रही होगी हम में से कोई भी उसको मतलब महसूस ही नहीं कर सकता. और जहाँ तक बात है बाकी लोगों के गुस्से की, पूरे देश के गुस्से की, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि सरकार से ज़्यादा उस स्थिति में कोई नहीं है कि क्या निर्णय लिया जाए. इसलिए सरकार के ऊपर ये छोड़ दें और सरकार का जो भी निर्णय होगा उसमें हम सब लोगों की भागीदारी होगी, उसमें हम लोगों का साथ होगा. जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में अटैक हुआ हमारे शहीदों पर, क्या उसके लिए आप क्या कह सकते हैं? इट्स अ वेरी वेरी shocking thing that has happened and I hope a strict action is taken against it and we just don't do away with just lighting candles and we do more about it. Thank you. एक आम नागरिक के तौर पे मुझे इस बात का हमेशा दुख होता है कि इतने यंग जवान हमारे जो हैं वो अपने परिवारों को छोड़ के एक तो ऐसी ऐसी जगहों पे तैनात हैं जहाँ पर अपने देश की सुरक्षा उनके हाथ में है, उनकी वजह से हम सुरक्षित हैं और हम बस झगड़ते रहते हैं अपने अपने बीच में. हम अपनी परिवार के बारे में सोचते हैं, हम सेल्फिश होते हैं, कहीं ये नहीं सोचते उनकी तरह कि हम देश के लिए काम करें. अगर हमारी भी सोच उनकी तरह होती तो कितना अच्छा हमारे देश के लिए होता, ये मैं हमेशा सोचती हूँ. और उनकी आत्मा को भगवान शांति प्रदान करें और हम सबको सद्बुद्धि दे भगवान कि हम अच्छे नागरिक साबित हों और उनका जो बलिदान है वो मतलब खर्च ना हो, ऐसे ही ज़ाया ना हो. जिस तरीके से हमारे शहीदों का हमला हुआ है जिसमें 44 जवान हमारे शहीद हुए हैं, क्या कहेंगे? कभी भी कोई अटैक जब होता है तो ऑफकोर्स दुखद ही होता है एंड नहीं होने चाहिए ये कहकर हम बात को टाल नहीं सकते बिकॉज एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है. सिर्फ बातें करने से कि हम करेंगे या होगा, बट आई थिंक इट्स टाइम व्हेन इंडिया शुड स्पीक. अटैक के बारे में कहना क्या है, बहुत बुरा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ है, बहुत ही शॉकिंग है. एक और चीज़ ये है कि अभी बहुत ज़्यादा इस पर सिर्फ बातें बहुत हो गई है और आई थिंक क्योंकि पहले भी ये सुनने में आया था कि हम ये ख़त्म कर देंगे, हम यहाँ पर बॉर्डर हम लगा देंगे, वहाँ से आने नहीं देंगे, डीमोनेटाइजेशन के बाद टेररिज्म ख़त्म हो गया है, या पहले की सरकार जब थी तो पाकिस्तान को लव लेटर्स लिखना बंद कर देना चाहिए, सीधा अटैक करना चाहिए, इस किस्म की बातें पहले हुई है. लेकिन फिर मैं देख रहा हूँ कि वापस हम वहीं के वहीं आ जा रहे हैं, फिर वही बातें हो रही है, फिर वही फिर दोस्ती की बात होती है फिर अटैक हो जाता है, फिर दोस्ती की बात होती है फिर अटैक हो जाता है. तो इसका एक सोल्यूशन निकलना चाहिए और ये टेररिज्म और ये मार धाड़ ये किलिंग ये सब ख़त्म होनी चाहिए. गवर्नमेंट को कड़क एक्शन लेना चाहिए. देखिए भाई पहले तो यही बात हुई थी,
जब ये सरकार आई थी इसके पहले तो यही बात हुई थी कि इंडिया को लव लेटर्स लिखना बंद करना चाहिए, हमको अटैक करना चाहिए, डीमोनेटाइजेशन के बाद टेररिज्म ख़त्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। अभी अगेन बैक टू, लगता है हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा, फिर वापस वी आर बैक टू स्क्वायर वन। बार बार ऐसे ही होता है, दोस्ती की बात करते हैं फिर कोई अटैक आ जाता है, फिर दोस्ती की बात करते हैं फिर अटैक आ जाता है। तो इसका सोल्यूशन निकालना चाहिए, इसका सोल्यूशन ऑफकोर्स कोई भी सोल्यूशन, चाहे अटैक चाहे नेगोशिएशन चाहे जो भी है, ये टेररिज्म, ये किलिंग, ये ख़त्म होनी चाहिए। वेल इट्स नॉट ओनली शेमफुल एंड डिस्गस्टिंग एंड आई नो दैट अ लॉट ऑफ व्यूअर्स आर नॉट गोना लाइक दिस बट आई एम अ सन ऑफ अ आर्मी ऑफिसर, माय फादर वाज लेफ्टिनेंट जनरल के सुरेंद्र सिंह एंड ही फॉट ऑल द वॉर्स एंड ही यूज्ड टू ऑलवेज से that Pakistan will never, never respond to dialogue. An eye for an eye, a bullet for a bullet. Shoot them down. Thank you guys, thank you. Thank you. Yeah. It's obviously extremely shocking, very disheartening. In fact, aaj pure din, matlab, कौन से दिन पे इन लोगों ने ऐसा किया। द होल वर्ल्ड इज सेलिब्रेटिंग 14th फरवरी एज अ लव डे, अ वैलेंटाइन डे, एंड वैलेंटाइन नेसेसरली डज नॉट मीन लव फॉर योर लवर, इट मीन्स लव फॉर एवरीबडी, लव फॉर ह्यूमैनिटी। व्हाट हैव दे डन एंड व्हाई हैव दे डन इट, बट ऑल सेड एंड डन, आई मीन यू नो वी आर हेल्पलेस, we are here, and I can only say that my condolences to the families of the jawans, and because they are there we are safe, so all that one can say is thank you so much, haath jodke.